प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, मैं डॉक्टर फरहीन सैयद, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पलसोड़ा, जिला उज्जैन, सामाजिक विज्ञान विषय की आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान विषय की NCERT के अर्थशास्त्र के पुस्तक के अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हमने इस अध्याय के कंटेंट को वीडियो के माध्यम से 2 भागों में समझ लिया है। आज हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने से पहले हम इस अध्याय की याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बातों पर एक नज़र डालेंगे। याद रखने योग्य तथ्य में पहला है, निर्धनता से अभिप्राय जीवन के लिए न्यूनतम उपयोगी आवश्यकताओं की प्राप्ति के न होने से है। निर्धनों अर्थात गरीबों की आमदनी इतनी कम होती है कि वे उससे अपनी सामान्य ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर सकते हैं। भारत में हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। विश्व बैंक के नवीनतम आंकड़े के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक गरीब भारत में ही हैं। आइए अब हम शहरी निर्धनता को समझने का प्रयास करते हैं। शहरी क्षेत्रों में निर्धन लोगों में रिक्शा चालक, मोची, फेरी वाले, निम्न मजदूरी पाने वाले श्रमिक इत्यादि आते हैं। इनके पास भौतिक परिसंपत्ति नहीं होती है और ये अक्सर झुग्गी व मलिन बस्तियों में रहते हैं। इसके पश्चात हम ग्रामीण निर्धनता को देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन किसान, खेतीहर मजदूर, लघु एवं सीमांत किसान आदि आते हैं। सामाजिक वैज्ञानिक की दृष्टि में निर्धनता क्या होती है? इसमें क है, सामान्यतः निर्धनता का संबंध आय अथवा उपभोग के स्तर से है। ख, उपभोग के स्तर के अलावा निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण, रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी निर्धनता को देखा जाता है। निर्धनता रेखा, आय अथवा उपभोग के न्यूनतम स्तर को निर्धनता रेखा कहा जाता है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण निम्नलिखित 2 आधारों पर किया जाता है। पहला क है, कैलोरी आवश्यकता, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ख आय, ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह तथा शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह। यह आंकड़े 2011 और 12 के आंकड़े हैं। असुरक्षित समूह, अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां, ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार, नगरीय अनियमित मजदूर परिवार आदि निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं। अगला है अंतरराज्यीय असमानताएँ, प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। बिहार और उड़ीसा सर्वाधिक निर्धन राज्य हैं। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य, विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $1.9 से कम पर जीवन निर्वाह। आइए अब हम निर्धनता के कारणों पर एक नज़र डालते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर, ख उच्च जनसंख्या वृद्धि, ग भूमि और जन संसाधनों का असमान वितरण और घ सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। राष्ट्रीय परिदृश्य सर्वेक्षण संगठन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन वह संस्था है जो भारत में निर्धनता रेखा का समय समय पर आकलन करती है और यह आकलन वह हर 5 साल में करती है। महत्वपूर्ण तथ्यों पर नज़र डालने के पश्चात आइए अब हम 1 अंक वाले प्रश्नों को हल करते हैं। 1 अंक वाले प्रश्नों में पहला प्रश्न है निर्धनता से अभिप्राय है। इसमें हमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला, जीवन की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति न होना। दूसरा, सुख सुविधाओं का अभाव होना। तीसरा, उपरोक्त दोनों। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर आएगा विकल्प 1, जीवन की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति न होना। दूसरा प्रश्न है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में स्वीकृत कैलोरी कितनी है? विकल्प 1, 2400 तथा 1800 कैलोरी। विकल्प 2, 2200 तथा 2100 कैलोरी। विकल्प 3, 2400 तथा 2000 कैलोरी।
विकल्प चार 2400 तथा 2100 कैलोरी। इसका सही उत्तर है विकल्प चार 2400 तथा 2100 कैलोरी। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा वर्ग निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है? विकल्प एक अनुसूचित जाति, विकल्प दो अनुसूचित जनजाति, तीन दोनों सही हैं, चार इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आएगा विकल्प तीन, दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कौन से दो राज्य सर्वाधिक निर्धन हैं? विकल्प एक बिहार और उड़ीसा, विकल्प दो बिहार और उत्तर प्रदेश, विकल्प तीन उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, विकल्प चार तमिलनाडु तथा हरियाणा। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में बिहार और ओडिशा सर्वाधिक निर्धन राज्य माने जाते हैं, तो अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प एक बिहार और ओडिशा। अगला प्रश्न है, अमेरिका में वह व्यक्ति गरीब है जिसके पास रिक्त स्थान नहीं है। यहाँ पर रिक्त स्थान में लिखा जाएगा जिसके पास कार नहीं है। अगला, निर्धनता रेखा का आकलन सामान्यतः रिक्त स्थान के बाद होता है। यहाँ पर रिक्त स्थान में हम लिखेंगे हर 5 वर्ष। अगला प्रश्न, पंजाब और हरियाणा में निर्धनता में कमी आने के क्या कारण हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा ने हरित क्रांति के द्वारा काफ़ी विकास किया है, अतः इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में सफल रहे हैं। अगला प्रश्न, किस रोजगार योजना में ग्रामीण परिवार को 100 दिन के सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसका उत्तर है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अगला प्रश्न, ग्रामीण और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं हेतु स्वरोजगार किस योजना का लक्ष्य है? इसका उत्तर आएगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना। एक अंक वाले प्रश्नों के पश्चात आइए अब हम 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक वाले प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, भारत में अंतर राज्य निर्धनता को किन सूचकों के माध्यम से देखते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह लिखेंगे, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में सफल रहे, केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है, पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। अगला प्रश्न, सामाजिक वैज्ञानिक निर्धनता को किन सूचकों के माध्यम से देखते हैं? इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, पहला निरक्षरता स्तर, दूसरा कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, तीसरा स्वास्थ्य के अवसरों की कमी, चौथा रोजगार के अवसरों की कमी और पाँचवा सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता की कमी। अगला प्रश्न, भारत में निर्धनता के कारणों का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह लिखेंगे, भारत में निर्धनता के कारण निम्नलिखित हैं, पहला भूमिहीनता, दूसरा परिवार का आकार, तीसरा बेरोजगारी और चौथा निरक्षरता। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति को गरीब कब माना जाता है? इसका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे, किसी व्यक्ति को गरीब माना जाता है जब उसकी आमदनी भी उसकी पूरी आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाए, उपभोग का स्तर गिर जाए और जब भुखमरी के साथ उसके पास आश्रय भी ना हो। अगला प्रश्न, भारत में निर्धनता दूर करने के 3 उपाय बताइए। इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह लिखेंगे, भारत में निर्धनता दूर करने के उपाय निम्नांकित हैं, पहला औद्योगिकरण पर अधिक जोर, दूसरा शिक्षा के द्वारा कौशल ज्ञान बढ़ाकर, तीसरा कृषि क्षेत्र में प्रगति द्वारा और चौथा जनसंख्या को भी सीमित करना अति आवश्यक है। अगला प्रश्न, भारत में निर्धनता संबंधी चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह लिखेंगे, पहली चुनौती न्यूनतम आवश्यक आय की उपलब्धता, दूसरा सभी को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना, तीसरा शिक्षा रोजगार व सुरक्षा उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न, भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। इसका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे, भारत में निर्धनता अनुपात में वर्ष 1993-94 में लगभग 45% से वर्ष 2004-05 में 37.2% तक महत्वपूर्ण गिरावट आई है। वर्ष 2011 और 12 में निर्धनता रेखा के नीचे के
निर्धनों का अनुपात और भी गिरकर 22% तक आ गया। यदि यही प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या 20% से भी नीचे आ जाएगी। यद्यपि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के दो दशकों 1973 से 93 में गिरा है। निर्धन लोगों की संख्या वर्ष 2004-05 में 407 मिलियन से गिरकर 270 मिलियन वर्ष 2011-12, जिसमें औसतन गिरावट 2.2% वर्ष 2004-05 से 2011-12 के बीच में हुई है। अगला प्रश्न, भारत में निर्धनता में अंतर राज्य असमानताओं का एक विवरण प्रस्तुत करें। इसका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे, भारत में निर्धनता का एक पहलू या आयाम है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ से राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई है, निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। वर्ष 2011-12 में निर्धनता अनुपात 22% है। कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं उड़ीसा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज़्यादा है। बिहार और उड़ीसा क्रमशः 33.7 और 32.6% निर्धनता औसत के साथ दो सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। इसकी तुलना में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक वितरण इसमें सुधार का कारण हो सकता है। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के पश्चात आइए अब हम हमारी पाठ्यपुस्तक में दिए हुए प्रश्नों को हल करते हैं। पाठ्यपुस्तक का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह लिखेंगे, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के लिए आय या उपभोग स्तरों पर आधारित एक सामान्य पद्धति का प्रयोग किया जाता है। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह हेतु खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं को प्रमुख माना जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकताओं के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकता पर आधारित है। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दालें आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती हैं। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक श्रम करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है। अनाज आदि रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किया जाता है। इन परिकल्पनाओं के आधार पर वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति माह किया गया था। अगला प्रश्न है, क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है। इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह देंगे, वर्तमान निर्धनता अनुमान पद्धति पर्याप्त निर्वाह स्तर की बजाय न्यूनतम स्तर को महत्व देती है। सिंचाई और क्रांति के फैलाव ने कृषि के क्षेत्र में कई नौकरियों के अवसर दिए, लेकिन भारत में इसका प्रभाव कुछ भागों तक ही सीमित रहा है। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के उद्योगों ने नौकरियों के अवसर दिए हैं, लेकिन ये नौकरी लेने वालों की अपेक्षा बहुत कम है। निर्धनता को विभिन्न संकेतों के द्वारा जाना जा सकता है, जैसे अशिक्षा का स्तर, कुपोषण के कारण मान्य प्रतिरोधक क्षमता में कमी, स्वास्थ्य सेवाओं तक कम पहुंच, नौकरी के कम अवसर, पीने के पानी में कमी, सफाई व्यवस्था आदि।
सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा के आधार पर निर्धनता का विश्लेषण अब सामान्य है। गरीबी पर सामाजिक उपेक्षा एवं गरीबी का शिकार होने की प्रवृत्ति के आधार पर भी विचार किया जा सकता है। अगला प्रश्न, भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। इसका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे, भारत में निर्धनता अनुपात में वर्ष 1993-94 में लगभग 45% से वर्ष 2004-05 में 37.2% तक महत्वपूर्ण गिरावट आई है। वर्ष 2011 और 12 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात और भी गिरकर 22% तक आ गया। यदि यही प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या 20% से भी नीचे आ जाएगी। यद्यपि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के दो दशकों 1973 से 93 में गिरा है। निर्धन लोगों की संख्या वर्ष 2004-05 में 407 मिलियन से गिरकर 270 मिलियन वर्ष 2011-12, जिसमें औसतन गिरावट 2.2% वर्ष 2004-05 से 2011-12 के बीच में हुई है। चौथा प्रश्न है, भारत में निर्धनता में अंतरराज्य असमानताओं का एक विवरण प्रस्तुत करें। इसका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे, भारत में निर्धनता का एक पहलू या आयाम है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ से राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई है, निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। वर्ष 2011-12 में निर्धनता अनुपात 22% है। कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं उड़ीसा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज़्यादा है। बिहार और उड़ीसा क्रमशः 33.7 और 32.6% निर्धनता औसत के साथ दो सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। इसकी तुलना में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक वितरण इसमें सुधार का कारण हो सकता है। निर्धनता की अंतरराज्य असमानता को हम उपरोक्त टेबल के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, उन सामाजिक और आर्थिक समूहों की पहचान करें जो भारत में निर्धनता के समक्ष निरुपाय हैं। इसका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के परिवार उन सामाजिक समूहों में शामिल हैं जो निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं। इसी प्रकार आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियमित मजदूर परिवार है। इसके अलावा महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को अति निर्धन माना जाता है, क्योंकि उन्हें सुव्यवस्थित ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित रखा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में अंतरराज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताइए। इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह लिखेंगे, भारत में अंतरराज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला, केंद्रीय प्रादेशिक सरकार समान रूप से सभी क्षेत्रों में समान निवेश नहीं करती। दूसरा, दूर स्थित ग्रामीण क्षेत्रों, पहाड़ी एवं रेगिस्तानी इलाकों की अवहेलना की जाती है। तीसरा, प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, तूफान, सुनामी का सभी राज्यों में न होना। चौथा, प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। पांचवा, प्रत्येक राज्य का प्राकृतिक वातावरण, जलवायु, मिट्टी, वर्षा आदि समान नहीं है। छठा, प्रत्येक राज्य समान रूप से मानव संसाधन अर्थात शिक्षा और स्वास्थ्य का विकास नहीं कर पाए हैं। सातवां, प्रत्येक राज्य में भूमि सुधार का कार्य समान नहीं हुआ है। सातवां प्रश्न, वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्ति की चर्चा करें। इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह लिखेंगे,
विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $1.9 से कम पर जीवन निर्वाह करना, में रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 में 36% से गिरकर 2015 में 10% हो गया है। यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसमें बृहत क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में बृहत निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है। चीन में निर्धनों की संख्या 1981 में 88.3% से घटकर 2008 में 14.4% और 2015 में 0.7% रह गई है। दक्षिण एशिया के देशों भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी ही तीव्र रही है और वर्ष 2005 में 34% से गिरकर 2013 में 16.2% हो गई है। अगला प्रश्न, निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति की चर्चा करें। इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह लिखेंगे, भारत से निर्धनता उन्मूलन करने हेतु निम्नलिखित उपाय अपनाए गए हैं। पहला, आर्थिक विकास में वृद्धि। इसके अंतर्गत लिखेंगे, आर्थिक विकास की दर में वृद्धि करना निर्धनता उन्मूलन हेतु महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय आय में जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि तेजी से होनी चाहिए, तभी आर्थिक विकास में वृद्धि हो सकती है। दूसरा, भूमि सुधार। निर्धनता दूर करने के लिए भूमि की हदबंदी कानून के अंतर्गत प्राप्त भूमि को भूमिहीन एवं गरीब किसानों में बांट देना चाहिए, भूमि के बिखराव को रोकना चाहिए और खेतों की चकबंदी की जानी चाहिए। अगला, जनसंख्या पर नियंत्रण। गरीबी को अधिक सीमा तक कम किया जा सकता है यदि हम परिवार नियोजन पर जोर दें। जनसंख्या नियंत्रण से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। यह जनसंख्या वृद्धि की दर में एवं आर्थिक संसाधनों के बीच अंतर करने में सहायक होगा। अगला, अत्यधिक रोजगार के अवसर। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर भारत में बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। इस प्रकार सार्वजनिक कार्य विस्तृत पैमाने पर प्रारंभ किया जाना चाहिए। लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। मानव शक्ति का कुशल उपयोग निसंदेह अर्थव्यवस्था में आय उत्पन्न करेगा और इससे गरीबी को कुछ सीमा तक कम किया जा सकता है। नवा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दें। क दिया हुआ है, मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं। ख, निर्धनों में भी सबसे निर्धन कौन है। और ग, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले हम मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं उसका उत्तर लिखेंगे। मानव निर्धनता की अवधारणा मात्र आय की न्यूनता तक ही सीमित नहीं है। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अवसरों का उचित स्तर न मिलना, अशिक्षा, रोजगार के अवसरों की कमी, स्वास्थ्य सेवा की सुविधाओं और सफाई व्यवस्था में कमी, जाति, लिंग भेद आदि मानव निर्धनता के कारण हैं। ख, निर्धनों में भी सबसे निर्धन कौन है का उत्तर हम इस तरह लिखेंगे। महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चों को अति निर्धन माना जाता है क्योंकि उन्हें सुव्यवस्थित ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुँच से वंचित रखा जाता है। ग, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं इसका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसे कि NREGA भी कहा जाता है, की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना। प्रावधान के तहत एक तिहाई रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत 4.78 करोड़ परिवार को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं का हिस्सा क्रमशः 23%, 17% एवं 53% है। औसतन रोजगार वर्ष 2006-07 में 65 रुपये से बढ़ाकर 132 रुपये वर्ष 2013-14 में कर दिया गया है। अगला, हाल ही में मार्च 2018 में विभिन्न राज्यों में अकुशल
मैनुअल श्रमिकों के लिए मजदूरी दर संशोधित कर दी गई है। इन राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में मजदूरी दर की सीमा परिसर 281 रुपये प्रतिदिन, हरियाणा के श्रमिकों के लिए से 168 रुपये प्रतिदिन, बिहार और झारखंड के श्रमिकों के लिए तय की गई है। कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करती हूँ कि इस अध्याय को आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा और इन प्रश्नों के उत्तरों को आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और परीक्षा की दृष्टि से इन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।